हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ, तो आइए शुरू करें आज का सवाल। आज का पहला सवाल है आरोही का। कहती हैं, लव गुरु जी, इस लॉकडाउन की वजह से तो जैसे हमारे प्यार को भी लॉकडाउन लग गया। हर टाइम सबकी नज़रों में हैं, ना घर वाले कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से हम अपने प्रेमी से मिल नहीं पाते और पूरा महीना सावन का भी निकल गया, मुलाकात ही नहीं हो पाई। सिर्फ फ़ोन पे बात हुई तो वो भी बहुत कम, क्योंकि ज़्यादा बात घर वालों के सामने कर नहीं सकते और इस वजह से हमारी अक्सर लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि हम मिल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से तनाव बढ़ता है और इस महीने तो बहुत सारी ऐसी खबरें भी सुनने को मिली कि दो प्यार करने वालों ने अपनी जानें दे दी, आत्महत्या कर लिया। और इस डर की वजह से मैं ज़्यादा अपने प्रेमी से लड़ाई भी नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा ना हो वो भी कुछ गलत कदम उठा ले। आरोही जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। लॉकडाउन है, घर के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं और ऐसे में आप भी घर से बाहर नहीं जा पा रही होगी, तो मुश्किल तो है थोड़ा, प्यार पे पहरे हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रहें और आप जिससे प्यार करती हैं वो सुरक्षित रहे। अगर वो सुरक्षित है, आप सुरक्षित हैं, तो प्यार आपका बरकरार रहेगा और आप कभी भी मिल सकते हो। और अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे मिलोगे। इस टाइम लॉकडाउन की वजह से प्रेमी जोड़ों को काफ़ी मानसिक तनाव रहा है और बहुत सारी ऐसी खबरें भी सुनने को मिली कि दो प्रेमी युगलों ने अपनी जानें दी। कारण जो भी रहा हो, चाहे वो सामाजिक रवैया उनको ना मिलने देना या फिर अंतर जातीय के दो प्रेमियों का होना, शायद लॉकडाउन ना होता, वो मिलते, अपनी बातों को शेयर करते एक दूसरे से, तो ये स्थिति ना आती। लेकिन आपको सावधान रहना है और इस तरह की स्थिति ना आए इसको बहुत ध्यान में रखना है। और प्यार क्या क्या है, अगर आप ठीक ठाक रहोगे, अच्छे से रहोगे, तो बात करने का, घूमने का मौका मिलता रहेगा। आज का दूसरा सवाल है रोहन का। ये कहते हैं, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो जॉब करती है और मैं अभी जॉब नहीं करता, लेकिन मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूँ, उसकी नौकरी से नहीं, उसी से। लेकिन मैं बेरोज़गार हूँ, इस डर की वजह से मैं उसे प्रपोज नहीं कर रहा। कई लोग ये ना सोचे कि मैं लालच से उसकी नौकरी देख कर उससे प्यार का इजहार कर बैठा, लेकिन कहीं मेरी देर से किसी और से ना प्यार करने लगे या मुझसे पहले कोई और ना उसे मना ले, समझ में नहीं आता। मैं अपनी पहले जॉब ढूंढूं या पहले अपने प्यार के बारे में बताऊं, आप ही बताइए क्या सही होगा, अभी इंतज़ार करना या अपने प्यार के बारे में बता देना। रोहन जी, मुझे लगता है अगर आपको प्यार हो गया है तो आप पहले बता दीजिए। आप जिससे प्यार करते हैं उसको उसके बारे में बताइए कि आप उसको कितना पसंद करते हैं, कब से पसंद करते हैं और क्यों पसंद करते हैं। अगर आप देर करोगे तो हो सकता है नौकरी वाली लड़की है, तमाम रिश्ते आ रहे होंगे, कोई भी उसे पसंद कर ले और घर वाले अच्छा रिश्ता देख के उसका रिश्ता पक्का भी कर दें, या वो किसी और को पसंद करने लगे या कर भी रही हो, तो आपको पहले उसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि वो किसी और से तो प्यार नहीं करती। और नहीं करती है तो आपको अपनी बात रख देनी चाहिए, क्योंकि जब लड़कियां घर में होती हैं तो रिश्ते आते ही हैं, और फिर नौकरी वाली लड़की हो तो आप समझ सकते हैं। तो देर मत करिए, जाके इजहार मोहब्बत कर दीजिए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके मन में भी है कुछ सवाल लव से जुड़े, रिश्ते से जुड़े, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है khabarlahariya@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।